किसान भाइयों नमस्कार। आज की यह वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिजेंटा के नए बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट प्रोडक्ट वाइब्रेंस इंटीग्रल के बारे में आपको बताने वाले हैं। इस प्रोडक्ट को लेकर आपने अभी तक यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं देखी होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए वाइब्रेंस इंटीग्रल की पूरी जानकारी लेकर आए हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल है, कौन सा टेक्निकल क्या काम करता है, इसका वास्तविक डोज क्या है, कौन कौन सी फसलों के बीजों का बीज उपचार कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो मैं हूं दिलीप और स्वागत करता हूं आपका फार्मर प्रोटेक्ट यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा किसी भी कंपनी से कोई संबंध नहीं है। कंपनी वाला हमारा जीजा या फूफा नहीं है और ना ही हमारी कोई दवाई की दुकान है। बस आपकी जानकारी के लिए वीडियो बना रहे हैं। किसान भाइयों, सिजेंटा ने 2023 में एक सीड ट्रीटमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसके अंदर कंपनी ने 3 टेक्निकल दिए हैं। सेडाक्सेन 12.61% WW, एजोक्स्ट्रोबिन 3.15% WW और थायोमेथोक्साम 22.6% FS, जिसमें से 2 फंगीसाइड और 1 इंसेक्टिसाइड है। तो यह प्रोडक्ट बीज को फंगस के साथ साथ कीटों से भी सुरक्षा प्रदान करेगा। किसान भाइयों, किसी भी पेस्टिसाइड दवाई के टेक्निकल को अगर हम समझ ले तो उस दवाई को, उस प्रोडक्ट को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। पहले हम तीनों टेक्निकल की बात कर लेते हैं। तो अगर हम सेडाक्सेन की बात करें तो यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम वाला कवकनाशी है, जिसका उपयोग विशेष रूप से राइजोबैक्टेरिया SSP को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह जड़ की स्थापना की सुरक्षा भी प्रदान करता है और शुरुआती विकास के चरणों में जैविक और अजैविक तनाव को भी कंट्रोल करता है, जिससे पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। अब बात करते हैं एजोक्स्ट्रोबिन की। तो यह टेक्निकल आपने एमिस्टार के अंदर देखा होगा, जो बीज उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है जो पौधे में होने वाले रस्ट रोग को नियंत्रित करता है, जिससे शुरुआत में पौधे सूखने की समस्या नहीं आती है, जो फंगस की श्वसन प्रणाली पर काम करता है और फंगस को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा से वंचित करता है। और इसके अंदर जो थायोमेथोक्साम है, उसका तो सभी को पता है कि यह बीज को मिट्टी के अंदर लगने वाले कीटों जैसे दीमक, वाइट ग्रब, अन्य भूमिजनित कीटों से बीजों को बचाता है। इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी ने उपयोग कर रखा है और करना भी चाहिए। किसान भाइयों, इसके डोज की बात करें तो 1 ml प्रति किलोग्राम, यानी अगर हम क्विंटल की बात करें तो 100 ग्राम प्रति क्विंटल का इसका डोज है। 100 ml दवाई को 400 ml पानी के साथ मिलाकर 1 क्विंटल बीज को उपचारित कर लेना है। किसान भाइयों, जानकारी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी खेती किसानी की वीडियो आपको मिलती रहे।